भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पीरीपा के अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े जी, सांसद प्रतापराव पाटिल चिखलीकर जी, हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी, बहन गीता जैन जी, नरेंद्र मेहता जी, हमारे जनप्रिय उम्मीदवार नरेश मस्के जी, रविंद्र फाटक जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया, ऐसी बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती रूपा गांगुली जी, किशोर शर्मा जी, पूर्वेश सरनाईक जी, राजू भोयर जी, रवि व्यास जी, श्री डोंगरे जी, वर्षाते भोसले जी, संजय बाबुले जी, हसमुख गहलोत जी, विक्रम प्रताप सिंह जी, सचिन मांजरेकर जी, आसिफ शेख जी, देवेंद्र शेलेकर जी, संदीप राणे जी, अनिता पाटिल जी, निशा नार्वेकर जी, पूजा आमगांवकर जी, मंचासीन सभी महानुभाव, किसी का नाम अगर छूटा होगा तो नाम लिखने वाले की गलती है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैं क्षमा मांगता हूँ। और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी माताएं, बहनें और बंधुओं, आज मुझे बहुत खुशी है कि मीरा भाईंदर में हम सभी लोग लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार नरेश भस्के जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं। बहनों और भाइयों, हम सभी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, मानते हैं ना, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलिए, प्रभु श्री राम के हाथों में क्या है, क्या है, क्या है? फिर बोलिए, एकनाथ शिंदे जी के हाथों में क्या है, क्या है, क्या है? नरेश मस्के जी के हाथों में क्या है, क्या है, क्या है? इस मतदार संघ में मोदी जी के हाथों में क्या है, क्या है, क्या है? धनुष बाण। तो बहनों भाइयों, फिर आपको और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, हमको आने वाले 20 तारीख को धनुष बाण का बटन दबाकर हमारे नरेश मस्के जी को दिल्ली में संसद में भेजना है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव महानगर पालिका का, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत का चुनाव है। देश का नेता चुनना है, देश किसके हाथों में महफूज होगा, देश को कौन विकास की ओर ले जा पाएगा, देश के आम आदमी का सपना कौन पूरा कर सकता है, इसका निर्णय करने वाला ये चुनाव है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हमें देखना होगा। आज अवस्था क्या है, महाभारत का युद्ध सज चुका है। जैसे महाभारत में एक और पांडवों की सेना थी, पांडवों के साथ कई राजा थे, दूसरी ओर कौरवों की सेना थी, कौरवों के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर राजे थे, रजवाड़े थे और युद्ध सजा था, वैसा ही भारत का युद्ध सजा है। एक और विश्व गौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी पांडवों की सेना लेकर खड़े हैं, और इस सेना में मोदी जी के साथ हमारे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे एनसीपी के अजीत पवार जी हैं, हमारी मनसे है, हमारी रिपाई है,
हमारी पीरीपा है, हमारी जनसुराज्य है, हमारी रयत क्रांति है, ये सब मिलकर पांडवों की सेना तैयार हुई है। और कौरवों की सेना में कौन है? राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के साथ 24-25 पार्टियों की खिचड़ी है। लेकिन मैंने उनको कहा, अरे खिचड़ी वालों, ये तो बताओ, हमारा तो तय है, हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। आखिर सुबह 9 बजे जो टीवी पर पोपटलाल आते हैं ना, वो पोपटलाल को बोलना पड़ा। पोपटलाल को पूछा, बताइए आपका उम्मीदवार कौन है? तो पोपटलाल ने कहा, हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार है, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन पहला कौन बनाएंगे ये तो बताइए। फिर मेरे ध्यान में आया, ये क्या करने वाले, एक कुर्सी रखेंगे, हम बचपन में संगीत कुर्सी खेलते थे उस प्रकार से, उस कुर्सी के इर्द गिर्द ये सारी पार्टियों के नेता घूमेंगे, और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा जो पहला नेता बैठेगा वो पहला प्रधानमंत्री, अगले साल जो दूसरा बैठेगा वो दूसरा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद को घंटा कुर्सी जैसा इन लोगों ने बनाया, और इनको बताओ ये प्रधानमंत्री का पद है, ये तुम्हारे घर का पद नहीं है, ये तुम्हारे उद्योग का पद नहीं है, ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी का पद नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का पद है। इसको बंटवारा करने का अधिकार तुमको नहीं है, और इसीलिए देश की जनता ने ये तय कर लिया है, इस देश में फिर एक बार और अब की बार 400 बार, और इस 400 बार में थाने से हमारे नरेश मस्के जी भी होंगे, ये मीरा भाईंदर वालों ने तय करके रखा है। दोस्तों, ये जो हमारे मोदी जी की महायुति है ना, ये विकास की ट्रेन है, विकास की ट्रेन। अभी अपने यहाँ मोदी जी के आशीर्वाद से मेट्रो आने वाली है, ऐसी हमारी ये विकास की ट्रेन है। हमारे विकास की ट्रेन को मोदी जी का इंजन लगा है, मजबूत इंजन है, अलग अलग पार्टियों की बोगियाँ डब्बे लगे हुए हैं, और इन डब्बों में सभी के लिए बैठने की जगह है। दीन दलित गरीब आदिवासी मजदूर किसान खेत मजदूर सभी लोग, अल्पसंख्यक ओबीसी भटके विमुक्त सभी लोगों को बैठने की जगह हमारी इस ट्रेन में है। और इस ट्रेन में मोदी जी के इंजन के साथ हम लोग सबका साथ सबका विकास कहते हुए सबको विकास की ओर ले जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर डब्बे ही नहीं है, वहां सब इंजन ही है, डब्बा एक भी नहीं है। इंजन है राज ठाकरे वाला नहीं, वो अपने पास है, वहां सारे इंजन है। वहां पर राहुल गांधी कहते हैं मैं इंजन हूं, उद्धव ठाकरे बोलते हैं मैं इंजन हूं, हमारे पवार साहब बोलते मैं इंजन हूं, लालू जी का बेटा बोलता मैं इंजन हूं, मुलायम जी का बेटा बोलता मैं इंजन हूं, स्टालिन बोलते मैं इंजन हूं, ममता दीदी बोलती मैं इंजन हूं, वहां पर एक भी डब्बा नहीं है, सब अपने आप को इंजन मानते हैं। और आपको पता है इंजन में आम आदमी के बैठने की जगह नहीं होती, इंजन में केवल ड्राइवर बैठता है। और इनका इंजन ऐसा है, राहुल गांधी के इंजन में बैठने की जगह केवल सोनिया जी और प्रियंका जी को है, उद्धव ठाकरे जी के इंजन में बैठने की जगह केवल आदित्य ठाकरे जी को है, और शरद पवार जी के इंजन में बैठने की जगह केवल सुप्रिया ताई सुले को है, आपके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस दिन आप नरेश मस्के जी के धनुष बाण की बटन दबाएंगे, थाने की बोगी सीधे मोदी जी के इंजन को जाकर लगेगी, और फिर हमें यहाँ पर विकास से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का चुनाव है। दोस्तों, हमने देखा पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो परिवर्तन करके दिखाया, दुनिया आश्चर्य करती है। दुनिया के अर्थशास्त्री एक दूसरे से बात करते हैं, ये मोदी मैजिक क्या है, ये मोदी मॉडल क्या है।
वो समझ नहीं पा रहे किस प्रकार से मोदी जी ने परिवर्तन किया है। 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम मोदी जी ने करके दिखाया। 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को झोपड़ी से पक्के घर में मोदी जी ने लाया। 10 सालों में 50 करोड़ लोगों के घर गैस मोदी जी ने पहुंचाया। 10 सालों में 55 करोड़ लोगों के घर शौचालय मोदी जी ने दिया। 10 सालों में 60 करोड़ लोगों के घर पीने का पानी मोदी जी ने दिया। 10 सालों में 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का राशन ये मोदी जी मुफ्त में देते हैं और अगले 5 साल भी देंगे। और 10 सालों में मोदी जी ने 64 करोड़ लोगों को, हमारे युवाओं को मुद्रा का लोन 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के और बिना किसी मॉर्गेज के दिलवाया। आज ये सारे लोग अपने पैरों पर खड़े हैं और मुझे बताते हुए खुशी होती है, इनमें 50% से ज़्यादा हमारी महिलाएं और युवतियां हैं जो आज अपने पाँव पर खड़ी हुई है। मोदी जी ने 10 सालों में 85 लाख बचत गटों को 8 लाख करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ महिलाओं को अपने पाँव पर खड़ा किया, उसमें से 3 करोड़ महिलाएं अब लखपति बन रही है और धीरे धीरे 10 करोड़ महिलाएं लखपति बनेगी, ये मोदी जी का ख्वाब है। और बंधुओं, अब इस मंच के ऊपर महिलाएं कम दिख रही है, लेकिन अब हमारा राज समाप्त होने वाला है। मोदी जी ने तय किया है 2026 के बाद विधानसभा में 33% विधायक महिलाएं होगी और संसद में 33% हमारे सांसद ये भी महिलाएं होगी। महिलाओं का राज आने वाला है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं जब एक पुरुष को अपने पैरों पर हम खड़ा करते हैं तो केवल पुरुष पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन महिलाओं को करते हैं तो पूरा परिवार पैरों पर खड़ा होता है। और इसलिए देश को अगर विकसित करना है तो महिलाओं को देश की मुख्य धारा में लाना होगा। हम देख सकते हैं मोदी जी ने आज हमारे शेड्यूल कास्ट समाज के जो युवा है उनके लिए स्टैंडअप जैसी योजना लाई, उनको उद्योजक बनाया। हमारे आदिवासी समाज के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना लाई। हमारे जो पारंपरिक व्यवसायिक है उनके लिए 14,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना लाई और उनको अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण मिले, पैसा मिले, वित्तीय सहायता मिले। इस प्रकार का काम मोदी जी ने किया। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके उत्थान के लिए मोदी जी ने काम नहीं किया। आज हम देख सकते पिछले 10 सालों में बदला हुआ मीरा भाईंदर हमने भी देखा है। अरे वो मोदी जी थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया तो यहाँ पर हम लोग काम कर पाए। 2014 से 19 मैं मुख्यमंत्री था, हमारे नरेंद्र मेहता जी विधायक थे और आप सबने देखा यहाँ पर हमारे प्रताप सरनाइक जी भी विधायक थे, आप सबने देखा जिस प्रकार का परिवर्तन यहाँ पर हुआ। और आज भी वापिस हमारे एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, हमारी गीता ताई यहाँ की विधायिका बनी। फिर एक बार हम देख सकते हैं मीरा भाईंदर में हम लोगों को बड़ा विकास दिखाई पड़ता है। आज मीरा भाईंदर में मेट्रो आई है, मीरा भाईंदर में सूर्या से पानी आ रहा है। और मैं आपको कहता हूँ 40 MLD पानी तो हम लोग गणपति तक शुरू करने का प्रयास करने वाले हैं। और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर के लिए पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। यहाँ पर रास्तों का काम हो या STP का काम हो, यहाँ पर अंडरग्राउंड सीवेज का काम हो, यहाँ पर गार्डन का काम हो, पिछले 10 सालों में आपके आशीर्वाद के कारण मीरा भाईंदर का रूप बदला है। और हम इसको इसलिए बदल पाए क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। यह मोदी जी का आशीर्वाद है जो बदला हुआ यह सारा स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में आपकी कनेक्टिविटी तो हम ऐसे बढ़ाने वाले हैं कि अभी हमने मुंबई में कोस्टल रोड तैयार किया, अब कोस्टल रोड से आप बांद्रा तक आ सकते हो,
बांद्रा से हम लोग वर्षों तक कनेक्टिविटी कर रहे हैं, वर्षों से हम मढ़ की कनेक्टिविटी कर रहे हैं और मढ़ से उत्तन की कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं। अब मीरा भाईंदर वाले 40 मिनट में 35 मिनट में सीधे कुलाबा पहुंचेंगे। इस प्रकार की कनेक्टिविटी ये मीरा भाईंदर को देने का काम आज हमारी सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे मोदी जी है। दोस्तों आप याद करिए, कोविड का वो समय इतना खतरनाक, इतना भयानक समय था जिस समय अपने परिवार वालों को भी हम लोग अपने घर नहीं बुला सकते थे। सभी लोगों के सामने एक असमंजस था, सब लोग सोचते थे कल मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या हम जिएंगे या मरेंगे। हमारे आजू बाजू वाले, हमारे कई दोस्त जिनके घर में हम मौत देखते थे, एक प्रकार से मातम छाया हुआ था, सभी के सामने अंधेरा था और दुनिया कहती थी ये भारत को कोई बचा नहीं सकता, 140 करोड़ का देश है, कम से कम 40-50 करोड़ लोग तो मरेंगे, ऐसा दुनिया कहती थी। दुनिया के अखबारों में छपता था भारत ये डेथ बेड हो रहा है, भारत में चिताएं जल रही है, भारत समाप्त हो रहा है। ऐसे समय दुनिया में केवल 4 देश थे जिन देशों ने कोविड का वैक्सीन तैयार किया था। इन 4 देशों को लगता था भारत हमारे पास आएगा, भारत हमारे सामने हाथ फैलाएगा, भारत बोलेगा भीख में थोड़े वैक्सीन दे दो। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को पता था 140 करोड़ का देश है, मैं उस देश के सामने जाऊंगा, थोड़ी सी वैक्सीन वो देगा, फिर कहेगा रुक जाओ पहले मेरे लोगों को वैक्सीन देता हूं, उसके बाद तुमको दूंगा। मेरे देशवासी यहां पर जिंदा नहीं बचेंगे, यहां पर मौत का अंबार लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सीधे देश के वैज्ञानिकों को एकत्रित किया, फार्मासिस्ट को एकत्रित किया, उनको कहा आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए मैं देता हूं, जो रिसोर्सेस चाहिए मैं देता हूं। दुनिया के कोने कोने से मोदी जी ने सारा रॉ मटेरियल यहां लाया और दुनिया में कोविड की वैक्सीन बनाने वाला 5वां देश मेरा हिंदुस्तान बना। और हमारे मोदी जी ने एक एक आदमी को 140 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन 2 बार हम सभी को टीका लगाया ना, सबको मिला ना, एक पैसा किसी को नहीं मांगा, चारा ने का खर्चा किसी को नहीं आया। और जो लोग कहते थे भारत कैसे बचेगा, उनको हमने ये बताया भारत बचा भी और बचाने वाला नई दिल्ली में बैठा था उसने बचा कर दिखाया भी। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। दोस्तों ये नया भारत ऐसा भारत है जिसकी ओर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। आज भारत एक और चंद्रयान भेज रहा है, दूसरी ओर आदित्य L1 के नाम से हम सूरज को नाप रहे हैं। मुझे याद है आज हमारा जो नेतृत्व है ये मामूली नेतृत्व नहीं, वैश्विक नेतृत्व हुआ है। ये कोरोना के बाद मैं मॉरिशस नाम के देश में गया था और मॉरिशस में वहाँ के जो मराठी लोग हैं उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पुतला था उसका उद्घाटन मेरे हाथ से किया। फिर मैं मॉरिशस के राष्ट्रपति को मिलने गया, अफ्रीकन ओरिजिन के राष्ट्रपति थे। उन्होंने मुझे कहा मिस्टर फडणवीस आप मेरा धन्यवाद मोदी जी को दीजिए। मैंने कहा किस बात का धन्यवाद है राष्ट्रपति जी। कहने लगे कोविड के काल में मोदी जी ने मॉरिशस को कोविड का टीका दिया, आज मेरा मॉरिशस जीवित है, वो नरेंद्र मोदी के कारण जीवित है। और केवल मॉरिशस नहीं, दुनिया में 100 देश ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा नेता नरेंद्र मोदी है क्योंकि उनके कारण हमारा देश आज जीवित है। एक वैश्विक नेतृत्व आज मोदी जी के माध्यम से हमने तैयार किया है। मैं जापान गया था, जापान के उप प्रधानमंत्री को मैं मिला, उन्होंने मुझे कहा फडणवीस जी आपका अभिनंदन करता हूं। मैंने कहा किस लिए अभिनंदन कर रहे हैं, उन्होंने कहा जो जापान नहीं कर पाया वो आपके देश ने किया, हमने भी प्रयास किया था चंद्रमा पर, उसके साउथ पोल पर, वहां पर हम लोग अपना चंद्रयान उतारे, हम नहीं उतार पाए, भारत ने उतार कर दिखा दिया। ये नया भारत है, आज इस नए भारत का सानी पूरी दुनिया है। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ये गली का चुनाव नहीं, दिल्ली का चुनाव है, देश की सुरक्षा का चुनाव है। आप सबको याद होगा वो जमाना भी जिस समय
हमारे मुंबई में बम विस्फोट होते थे, पूना में होते थे, काशी में होते थे, हैदराबाद में होते थे, बंगलोर में होते थे, हर जगह बम विस्फोट होता था। बम विस्फोट होने के बाद हमारी सरकार क्या करती थी? हमारी सरकार केवल पाकिस्तान का निषेध करती थी, भर्त्सना करती थी, पाकिस्तान की बुराई करती थी। इससे ज़्यादा हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। 26/11 के बाद भी हम सबको लगता था भारत पर इतना भयानक हमला हुआ है, हमारी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इतने लाचार थे, अमेरिका चले गए, बोले देखिए सबूत दे रहे हैं ये पाकिस्तान ने हमला किया है, आप जरा पाकिस्तान को जाकर समझाइए। अरे मानो कोई छोटा बच्चा स्कूल में कोई मार दे तो रोता हुआ अपने बाप के पास जाए और बोले पापा उसने मार दिया, आप जाके उसको मारो। ऐसे 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री की अवस्था थी। 2014 में मोदी जी आए, पाकिस्तान को आतंकवादियों को पता ही नहीं था ये बदला हुआ भारत है। इस भारत में आतंकवादियों ने पुलवामा और उरी में हमारे जवानों को शहीद किया, ये बदला हुआ हिंदुस्तान था। मोदी जी ने सीधे पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। दोस्तों 2019 के बाद भारत में धमाके करने की हिम्मत पाकिस्तान के बाप की भी नहीं हुई, क्योंकि मालूम है अपना बाप नई दिल्ली में बैठा हुआ है। आज पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है और भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और मोदी जी ने तो कहा, अरे पिछले 10 साल ये केवल ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। मोदी जी ने कहा 10 सालों में आपने जो काम देखा वो तो केवल स्टार्टर था, अभी असली खाना परोसना बाकी है। आने वाले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इस देश को मोदी जी बदलने वाले हैं, मैं तो आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, इस बार का मतदान ये भाजपा के लिए, ये महायुति के लिए नहीं है, इस बार का मतदान भारत के लिए है। ये भारत मोदी जी के हाथ में सौंप कर फिर एक बार हमको इस प्रकार के भारत का निर्माण करना है जिसकी ओर कोई नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। एक ऐसा भारत जो दुनिया का सिरमौर होगा, एक ऐसा भारत जो दुनिया का सर्वोत्तम देश होगा, ऐसा भारत अगर बनाना है तो दोस्तों आने वाले 20 तारीख को हमें धनुष बाण का बटन दबाना होगा। धनुष बाण का बटन दबाने के बाद वोट तो नरेश मस्के को मिलेगा, लेकिन आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।